उज्जैन जिले में लोकायुक्त पुलिस ने शिकायत पर नरवर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ महिला चिकित्सक को रिश्वत लेते रंगे हाथ दर्द भोजा। बताया जा रहा है कि पिपलोदा निवासी द्वारकाधीश की पत्नी खुशबू शर्मा का आकस्मिक गर्भपात हो गया था। गर्भ की डीएनसी के लिए वह अपनी पत्नी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरवर में पदस्थ डॉक्टर हुमा रहमान के पास ले गया, जिसने डीएनसी करने के लिए 5,000 रुपये की मांग की, जिस पर 3,500 में बात तय हो गई। इसके बाद प्रकाश शर्मा ने इसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस को की। शिकायत मिलने पर लोकायुक्त के शैलेंद्र सिंह ठाकुर के नेतृत्व में टीम ने घेराबंदी कर महिला चिकित्सक को 3,500 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। आधे रंग 24 तारीख को प्रकाश शर्मा और उसकी पत्नी खुशबू शर्मा लोकायुक्त कार्यालय में उपस्थित हुए। उन्होंने आवेदन दिया कि खुशबू शर्मा गर्भवती थी जी, और किसी कारण से उनका मिसकैरेज हो गया था, तो उस साफ सफाई के लिए यहाँ पर सामुदायिक केंद्र नरवर में पदस्थ डॉक्टर हुमा रहमान उनसे 5,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग कर रहे हैं। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त श्री राजेश मिश्र के निर्देशन तत्पश्चात हम लोगों ने ट्रैप प्लान बनाया और 3,500 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए इनको रंगे हाथ पकड़ा।